नमस्ते। आज हम सुनेंगे रामलीला कहानी की अंतिम भाग। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई भी बात न पूछता था, न घर जाने की छुट्टी थी, न भोजन का ही प्रबंध होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी तक को भी ना पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में वो अभी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज़ मिलती, वो लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था, उतना आप खा जाने में कभी ना मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ न मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक कोई चीज़ उन्हें न खिला लेता, मुझे चैन न मिलता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा शामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट की गई। वैश्याओं के दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक के द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपए को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च न कर सका था। मैंने तुरंत वो रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी ओर कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ न कहा, लेकिन मुंह ऐसे बना लिया जिसे प्रकट होता था कि मेरी इस धृष्टता से उनके रौब में बट्टा लग गया। रात के 10 बजते ये परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपये और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपये से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम से कम 200 और वसूल हो जाए। और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वैश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। जब लोग आकर बैठ जाए और महफिल का रंग जम जाए, तो आबादी जान रसिक जानों की कलाइयाँ पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव हाव दिखाए कि लोग शरमाते शरमाते भी कुछ ना कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा ये लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आती जाती थी। चौधरी ने कहा, सुनो आबादी जान, ये तुम्हारी जाति है, हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबिका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब कि चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार ना करता। आप मुझसे भी जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल न गलेगी। वाह, रुपए तो मैं वसूल करूँ और मुझ पड़ता आप दे। कमाई का अच्छा ढंग निकाला है। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिन में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी भी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाइएगा। तुम दिल लगी करती हो और यहाँ काफ़ी आतंक हो रहा है, तो आप भी तो मुझी से उस्तादी करते हैं। यहाँ आप जैसे काइयाँ को रोज उंगलियाँ पर नचाती हूँ। आखिर तुम्हारी मनसा क्या है? जो कुछ वसूल करूँ उसमें आधा मेरा आधा आपका। लाइए हाथ मारिए, यही सही। अच्छा, तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। वाह, वो भी लोगी और ये भी। अच्छा, तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? वारी आपकी समझ खूब, क्यों ना हो दीवाना वकारे दरवेश होशियार। तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने को ठानी हो? अगर आपको 100 दफे गरज हो तो, वरना मेरे 100 रुपए तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिर? चौधरी की एक न चली, आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ।
आवादी जान बला की शौक औरत थी। एक तो कमसिन उस पर हसीन और उसके अदाएँ तो इस गजब की थी कि मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न था। जिसके सामने बैठ गई उसे कुछ ना कुछ ले ही लिया। 5 रुपए से कम तो शायद ही किसी ने दिए हो। पिताजी के सामने भी वो बैठी, मैं मारे सहम के पड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तब तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद धुतकार भी दे, किंतु ये क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरे आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? पिताजी मूछों में हंस रहे हैं। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक पड़ता था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था, मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वो देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे, ये फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती है। अब पिताजी से उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं? एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी आबादी जान, और दरवाजा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूछों पर ताव दिया। मुंह से तो वो कुछ न बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोज शब्दों में कह रही थी, तू बनिया, मुझे समझता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार है। रुपए की हकीकत ही क्या? तेरा जी चाहे आज मार, तुझसे दूनी रकम ले न दे डालूं तो मुंह न दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ! अरे, जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाल रहे हैं। वह कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आवाजी जान को दे डाली। हाँ, ये तो असरफी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी ने मुंह की खाई, इनका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक असरफी निकालकर आवाजी जान को दी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी है जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर उस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परमोचित व्यवहार से उनमें के रौब में फर्क आता था और इस समय घृणित, कुत्सित और निंदित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते हैं। आवादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझसे वहाँ न बैठा गया। मेरा शर्म के मारे मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात न होती तो मुझे इस वक्त एतवार न होता। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जाकर जरूर करता था, पर इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्हें यह बात सुनकर बहुत दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देखूं, पर साहस न होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई में से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले न गए हों। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार है। 200 आदमी हसरतनाक मुंह बनाए हुए घेरे खड़े हैं। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कांधे पर लुटिया डोब डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा और कोई न था। मैंने कुंठित स्वर से रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र ने कहा, हाँ, हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ, चले जाते हैं। क्या रुपया और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपये नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला? एक पैसा भी नहीं, कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताब ले लूँगा, सो कुछ न मिला। राह खर्च भी न दिया, कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ।
मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े हाथ लूँ। वैश्यों के लिए रुपए, सवारियाँ का सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनको देने के लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने भी तो आबादी जान को एक सड़पी दी थी, देखो इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया, वो कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो, पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने को सुस्ती है? मैंने कहा, गया था चौपाल, रामचंद्र विदा हो रहे थे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तो तुम्हें इसकी फिक्र क्यों है? वो जाएंगे कैसे, पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? ये चौधरी साहब की बेइंसाफी है। अगर आप 2 रुपए दे दें तो मैं उन्हें दे आऊँ, इतने में शायद वो घर पहुँच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास पैसे नहीं है। ये कहकर वो घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन से पिताजी पर मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चीज हो गई, वो जो कहते मैं ठीक इसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि हुई, लेकिन मेरा अंतकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा पड़ा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे, मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वो मेरे लिए आशातीत था, टूट पड़े पैसे को पानी मिल गया। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने के आया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था।